से अपनी जगह पर तशरीफ रखें। अभी अभी नाने का वक्त नहीं है, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ अपने कैद चौधरी अफजल शाही साहब और उनके जो साथी मेहमान आए हैं, मैं तहे दिल से अपने शहजाद टाउन, लारपर कॉलोनी, इलाई टाउन, बरबा टाउन और जो भी आसपास की हमारी छोटी आबादी हैं, हम तहे दिल से सबकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने अपना बहुत सा कीमती वक्त निकाल कर हमें खिदमत का मौका दिया। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनको रात दुगनी रात चुगनी तरक्की अदा फरमाए। तो हमारे भाई कुछ कहते हैं कि हमारे नाम नहीं ले, हम सब पूरे नाम नहीं ले सकते। खबर साहब, खबर साहब, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खबर लंबरदार साहब, आपका बहुत तहे दिल से आप तशरीफ ले आए। दो मिनट ऊपर है, जोर से ताली लगाए। हमारे अंकल है खबर लंबरदार। अभी मैं वो एक अहम ऐलान करेंगे, जो आइंदा का लाए अमल है वो बताएंगे। उतनी देर में आ रहे हैं, जोरदार तालियां लगाएं अंकल साहब के लिए। इसके साथ बहुत सारी साहब हैं, अंकल राणा गफार यहाँ बैठे हुए हैं, जोरदार तालियां लगाएं हमारे बुजुर्गों के लिए। इसके साथ साथ हमारे खानों की नुमाइंदगी करते हुए उमर खान जो है वो आए हैं, बड़े चौधरी को लेकर जोरदार तालियां लगाएं। Yeah।
यहाँ भी खाबर साहब को दाव देता हूँ, वो माइक लें और अपने हजार का ख्याल पेश करें। दोस्तों साथियों, जिस वक्त इस वक्त जवान तंदुरुस्त तगड़े मारा खादियां ना चोरां दियां जेड़े सानू वेचदे सन, अखीरी मैं रिटायर हो गया सा तो मैं कहूँ मैं सरकारी मुलाजम नहीं, मैं इन्हों का मुआवजा करांगा। मेरे दोस्तों मेरे बच्चों ने मेरे को मदद की है तो असी बाई कार्ड किया उन्होंने किया जेड़े बगैर वादी लुटते। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक दे हुक्म नाल मेरे मालिक दे करम नाल उन्होंने चानण हो गया, विकण वाले नहीं असी अल्लाह दे हुक्म नाल। सानू सिर्फ इन्हां भैण भरावां दी लोड़ है, सानू नहीं बिजली दी नहीं गैस दी, सानू अपने अपनी कौम की लोड़ है। अपने दीन और सलाम की लोड़ है सानू। सलाम अलैकुम। अबे आपके सामने मैं दोस्तों अभी मैं शमून साहब को रिक्वेस्ट करूंगा वो माइक अपने सपुर्द करें, अपने हजारे ख्याल पेश करें। शमून साहब। हाजी साहब बहुत शुक्रिया, जोरदार ताली लगाएं भाई साहब के लिए, हमारे बुजुर्ग हैं। बहुत शुक्रिया। मैं अली अफजल साई साहब को आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहता हूँ, जोरदार तालियां लगा रहे हैं हमारे यंग लीडर को वेलकम करें जोरदार तालियों के साथ। खानज़ादे का बहुत शुक्रिया और उनके हमरा तबरेज जट साहब हैं वो आए हुए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां लगाए। तबरेज जट साहब के लिए एक मरतबा फिर मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम मुस्लिम भाइयों का जो पूरी लैल पर कानूनी से आई है, जोरदार तालियां लगा के बताना चाहता हूं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी यहां बैठी हुई है जो आपसे प्यार करती है और आपने आज एक बात वाजिया लफ्जों में ये जो मखालफ पार्टी के कड़छे चमचे हैं इनको बतानी है, जो ये अपने से मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते हैं कि इमरान खान इकदार में आएगा तो वो क्रिश्चियनों के यूनिफॉर्म लैदा कर देगा। नारा लगाएं शेम 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 शेम। ये इनको बताइए के इस मुल्क के अंदर जितने राइट्स हमारे मुस्लिम भाइयों को है उतने राइट्स क्रिश्चियनों को भी है। पारी शरण सर। और ये आपके लिए एजाज की बात है कि यहाँ इस जलसे के अंदर तकरीबन 5 पादरी आपकी सपोर्ट के अंदर है और उनके साथ है। पारी शरण सर। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने अंकल राणा गफार साहब का।
बाबू अंसारी साहब का, सनी साहब का, भाई अख्तर उधर बैठे हुए हैं। एक सुबह वो मेरे पास आ गए 5 बजे, उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने कहा जी हमें बताएं हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई अगर मेरी सलाह मानते हो तो पीटीआई है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अगर मैं किसी का नाम भूलता हूं तो मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। आज के जो सारे जलसे का सेहरा है वो अकबर खान, भाई इमरान उधर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बल्ला भी बनाया है 6 फुट का। मैं सादा हूँ इतराब लेते हुए अपने शाह साहब भाई को यहाँ मिलाना चाहता हूँ कि शाह साहब यहाँ आए, जिन्होंने यूथ को तैयार किया, जिन्होंने हमें आकर गाइड किया और हमने पीटीआई को ज्वाइन किया। शाह साहब के लिए जोर जोर तालियां लगाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नाबुदो इयाका नस्ताही। दोस्तों, आज की तकरीब जनाब चौधरी अली अफजल साई साहब के लिए सजाई गई है। 25 जुलाई का दिन होगा और बल्ले का निशान होगा। आप लोगों ने बल्ले पर वोट लगाकर, मोहर लगाकर अपने वोट और अपने कीमती वोट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाना है। जनाब चौधरी अली अफजल साई साहब, जनाब भुट्टो साहब, थोड़ा सा इस गैदरिंग के हवाले से मैं आपके गोश गुजार करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा। ये लालपुर कॉलोनी और इसके मुल्हिका आबादियां, इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी, दो कम्युनिटीज पैरेलल रहती हैं। जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है उतने ही क्रिश्चियन इधर आबाद हैं, और उनके क्रिश्चियन के जो पादरी हैं जनाब शमून साहब, जब हमने पहली दफा जुनेद भाई के साथ हम इनके पास गए थे तो इन्होंने हमें भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया। अरे शमून साहब जिंदाबाद, और तब से ये हमारे साथ हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन, हमारी यूथ के सदर और सबसे सरगर्म कारकुन जो कि इस मोहल्ले के बहुत ही हर दिल अजीज शख्सियत हैं, जनाब अकबर खान साहब, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। अकबर खान मेरा वो छोटा भाई है जिसने कहा कि शाह साहब आप तशरीफ लाए भी ना भी लाते तो बल्ले पे मोहरें लगवानी थी और वोटों की संदूकड़ियों को भरना था हमने। जिन लोगों ने यहाँ पर कुछ थोड़ा सा वो नाराजगी का इजहार किया था, उन लोगों को भी इन दोनों भाइयों की मेहनत से हम इस जो है वो इस अपनी अरीना में लाए। असल उसके बाद जनाब इमरान भाई हैं यहाँ पर, जनाब हाजी साहब हैं, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। फर्दन जितने लोग भी हैं इस मोहल्ले से, इस कम्युनिटी से, इरफान साहब हैं, उसके अलावा रईस गिल साहब हैं, मुनीब सप्रा हैं, हमारा भाई है राणा उमैर, वो पीछे खड़ा है नजर आ रहा है, उसको भी वेलकम कहते हैं। बड़ी मेहनत है इन भाई की भी। तो अली अफजल साहब, ये वो आपकी यूथ है कि जिसने कहा कि जनाब साई साहबान का बड़ा नाम है, हमने उनको देख भी लिया है, हम उनको बगैर देखे उन पर ईमान लाते हैं। भाइयों, इसके बाद पठान इत्तेहाद के सदर जो आपके साथ अभी आपके साथ वो महवे गुफ्तगू थे, सरदार अयाज साहब, हम इनके बहुत मशहूर हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के तो यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा जो भी मेहमाना ने ग्रामी है, जो गोना गरबी से आए हैं, गोना शर्की से आए हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं, उनका भी भरपूर तालियों से इस्तकबाल किया।
अब मैं आता हूं थोड़ा सा इस इलेक्शन की तरफ कि हमने इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों चुना है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए चुना है कि जो पुरानी गवर्नमेंट है उसने एक तो खत्मे नबुव्वत पे डाका डाला, लाकानूनियत बढ़ी, और उसके अलावा यहां से जो पैसा है वो बाहर गया, उसके हवाले से तफसीलन जनाब चौधरी अली अफजल साहब जो है वो आपको बताएंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करता हूं कि 25 तारीख को आपने सिर्फ बल्ले पर मोहरें लगानी है, बल्ले का इंतखाबी निशान याद रखना है और सिर्फ बल्ले पर मोहरें लगानी है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब दावत खिताब देता हूं। गुलाम नबी पठान साहब और अवैस जट साहब उनका भी बहुत शुक्रिया, वो भी हमारे भाई हैं, और उमर साहब उनका भी, और जितने जितने लोग हैं सबकी, बाजवा साहब की भी बड़ी एफर्ट है, सबकी बड़ी एफर्ट है। मैं अब दावत खिताब देता हूं इस हलका की हर दिल अजीज शख्सियत और इस तकरीब के दुल्हा आपसे आए खिताब करे जनाब चौधरी अली अफजल भाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।